तकरीबन होते कि नहीं। कोई मेरे नहीं आना हमारे नहीं आना बस थोड़ा सा दे रहा है मैं कह रहा था सही नहीं है मक्खी थोड़ी इतनी उस तरह हाँ मक्खी भी है रे ये थोड़ा मैं भी अच्छा कोई दूसरा क्रीम हो रहा है जी दोस्तों, ये मौसमी बहार का शेड है, आई 22 मई 2023। तो ये हम थोड़ी से जो है ना वो बाग तक ओवर हो गया था मक्खियों से, तो उससे अब जो है ना थोड़ा सा शेड निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सुर्ख किस्म का हल्का मेहरून कलर का शेड है। इस बॉक्स में जो है वो थोड़ी सी जगह भी फुल हो गई थी, यानी मक्खियों की ज़्यादा नहीं थी, तो शहद निकालने से ये उनको थोड़ी सी जगह भी मिल जाएगी और हमें जो थोड़ा सा शहद भी हासिल हो जाएगा। इसमें ये जो आपको ब्रूट नज़र आ रहा है बच्चे, तो ये वाला पोर्शन हम काट के दोबारा डब्बे में रख लेंगे और जब बच्चे निकल आएंगे तो इसको हम छतों को बाहर वापस निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश अलीनों ने जो है बनाया हुआ है। ये आपको जो ब्रूड वाला एरिया नज़र आ रहा है कॉलन वाला, ये हम काट लेंगे तो जो शहद वाला सा ये आप देख सकते हैं मशीनों से फ्रेश शहद जो है वो कितने मिनट में ऊपर सेकंड चलने से कैसे नहीं देने में 3 मिनट से चालू नहीं है बेचैन आ रहा है ना मुख्य में ना करना थोड़े धीरे होता थोड़े धीरे सीढ़ी में थोड़े धीरे होता
थोड़ी जम स्टॉप करें ऐसे ऐसे दो दो उपले ऐसे। हाँ जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि शहद हमने मक्खियों से ले लिया है। ये अभी छत्ते वाला शहद कौन बनी है, तो इसको अब हम जो है ये जाली है उसके बाद इसको इस देखते में जो है ना वो हम साफ करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे छुरी से। गर्मियों का जो शहद है वो बिना पानी में रखे, गर्म पानी में रखे आप जो है ना साफ कर सकते हैं। इसको इस तरह आपने तोड़ना है शहद को, बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीस करने। इस तरह आपने बिल्कुल छतों को छोटा छोटा तोड़ देना है, इससे जो होगा शायद सारा वो छतों से बाहर आ जाएगा, जो कैप शायद होगा वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी जालदार कपड़े में इसको छान सकते हैं, साफ कर सकते हैं। वरना एक और तरीका है इसका, धूप में रख के छतों को किसी चीज़ में नीचे बर्तन रख के लटका दें, तो उससे जो है वो ज़्यादा साफ शहद जो है ना हासिल होगा। इससे शहद थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बीच में वैक्स और पोलन भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये आपने अगर जल्दी शहद साफ़ करना है तो ये उसके लिए तरीका है। ये आप देख सकते हैं नीचे शहद जमा होना शुरू हो गया। जी आप देख सकते हैं शायद बिल्कुल जो है वो यानी कि छत्ते टूट गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो गए हैं इसके। बस इसको भी हम 2-3 मिनट धूप में रखेंगे, थोड़ा और नरम हो जाएगा, तो फिर ये देखते हैं हम जो है साफ़ कर लेंगे। जी ये धूप से अब गर्म हो गया है, तो अब इसका हम जो है ये दूसरी देखते में जालेंगे, डालेंगे थोड़ा थोड़ा साफ़ करना है, तकरीबन 1 से 1.5 kg के आसपास जो है ना वो हमने शहद डालना है देखते में। ये आप देख सकते हैं कि शायद निकल रहा है, थोड़ा सा पास करो, अब थोड़ा सा दूर। तो बाकी इसका हम हाथों से दबाएंगे। नीचे देखिए मैं दिखाऊँ, देखिए मैं पास, ये आप देख सकते हैं शहद जो है वो मेल्ट हो गया है, तो अभी जो है साफ हो रहा है। इस तरह शहद का रंग थोड़ा सा गदला हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल यानी कि पानी की तरह शहद साफ़ करना है, बिल्कुल साफ़ शहद हो, तो उसके लिए ये कि इसी तरह जालदार कपड़े में छते डाल के आप कहीं धूप पे लटका दें और नीचे कोई देखती वगैरह रख दें, उस तरीके से बिल्कुल साफ़ शहद जो है वो निकलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये फौरी तरीका है शहद साफ़ करने का। बस ठीक, बीच में देखी आ रही है? नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है। बस ठीक है,
जी हमने दूसरी दफा सारा शायद अब डाल लिया इसमें। थोड़ी सी दूर उतर कर थोड़ा सा दूर ये बीच में आ गई। अरे जी आप देख सकते हैं शायद बिल्कुल नरम है और निकल रहा है आसानी के साथ। क्रीम में देखते में भी लगाओ नीचे। हाँ बस अभी ऊपर से रूट ये कॉर्नर में जो है आपके अंगूठे के नीचे उधर टिक करो।